कभी लाउड स्पीकर तो कभी ट्विटर छोड़ने की वजह से सुर्खियों में रहने वाले सोनू निगम अब पाकिस्तानी नागरिक होने की इच्छा जताकर सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में पहुंचे सोनू ने रिमिक्स क्यों बन रहे हैं इस सवाल पर पाकिस्तान का राग छेड़ दिया। सोनू ने कहा, कभी कभी लगता है कि अगर हम पाकिस्तान से होते तो अच्छा होता, क्योंकि तब हमें भारत में काम मिल रहा होता। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सिंगर्स को म्यूजिक कंपनियों को अपने शोज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो आपका गाना ही नहीं बजाएंगे, वो आपको गाना दिलवाएंगे ही नहीं, वो केवल अपने सिंगर को गाना दिलवाएंगे या फिर उस सिंगर को ज्यादा समय देंगे जिससे उन्हें पैसे दिए हो। सोनू ने बताया कि पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, वो पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो उनके साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा ही है तो आप भारतीय सिंगर्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आतिफ असलम मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे या फिर राहत फतेह अली खान से तो शो के बदले पैसे नहीं मांगते। धंधा अब उल्टा हो चुका है। आप इंडस्ट्री में पता कर लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना सच है। यही वजह है कि नए गाने नहीं आ रहे और रिमिक्स पर रिमिक्स आ रहे हैं।